नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे सुबह ही देख लेनी चाहिए। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी, दिल्ली, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौत का तांडव अभी जारी। दिल्ली पुलिस के अनोखे पहल, अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी जब्त की गई रेमडेसिविर की 86 शीशियां। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में फटा बादल, कई घर मिट्टी में दबे, लोगों ने ऊंचे इलाकों पर जाकर बचाई जान। 27 साल साथ रहने के बाद अलग हुए बिल गेट्स और मेलिंडा, कहा अब एक साथ आगे नहीं जा सकते। शिक्षा मंत्रालय के अपील, मई में होने वाले सभी ऑनलाइन एग्जाम स्थगित। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को महाराष्ट्र में थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई। यहाँ रविवार की तुलना में सोमवार को नए मामले और नई मौतों में कमी आई। वहीं मुंबई में भी संक्रमण के मामले में 3000 से भी कम मामले सामने आए। अच्छी बात ये रही कि मामला की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। हालांकि राजधानी दिल्ली में आंकड़े डराने वाले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए, वहीं 567 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1843 नए संक्रमित मामले सामने आए, तो वहीं 448 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,192 नए मामले सामने आए, 288 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,407 नए मामले सामने आए, 82 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा में पहले से ही लॉकडाउन जारी है, वहीं बिहार में भी लॉकडाउन लगने की पूरी आशंका है। माना जा रहा है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज में काम आने वाली जब्त की गई रेमडेसिविर की 80 से ज्यादा शीशियां, अन्य दवाएं और चिकित्सा उपकरण विभिन्न अस्पतालों को दिए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न छापों में दवाएं, चिकित्सा उपकरणों को जब्त किया गया था। पुलिस की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, बीएसई अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल, पार्क अस्पताल, कैलाश अस्पताल, सीडीएमओ छतरपुर के देरापंथ, रोहिणी कोविड केयर सेंटर और डीडीएमए उत्तर सहित विभिन्न अस्पतालों में रेमडेसिविर की 86 शीशियां दी गई। उत्तर दिल्ली के उपायुक्त के आदेश पर दीपचंद बंधु अस्पताल को फेबी पीरावीर की 90 गोलियां दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि रेमडेसिविर की और 100 शीशियों को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि भारत कोरोना वायरस संक्रमित देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंच गए हैं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या अब 2,02,37,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब देश भर में तकरीबन 2,21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया। ये घटना कुमराड़ा गांव में हुई। इससे यहां बनी कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। पानी के साथ आई मिट्टी से घरों की दीवारें कई फीट तक दब गई। कई गौशालाओं में भी इस हादसे से नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोट में भी बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी पानी के साथ बहकर घरों में आ गई। ग्रामीणों ने ऊंचे इलाके में जाकर अपनी जान बचाई। पानी और मलबे का बहाव करीब 1 घंटे तक चला। इससे लोगों के घरों के कई सामान खराब हो गए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बादल फटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उन्हें स्थिति पर लगातार नजर रखने को भी कहा। उन्होंने प्रभावितों को तुरंत राहत और अनुमेय सहायता राशि अविलंब देने के निर्देश भी दिए। इससे पहले उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की सुबह 10:30 बजे चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर रेशी गंगा नदी में गिरा था। हादसे के बाद 50 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली थी, जबकि 150 से ऊपर लोग ऐसे थे जिनका हादसे के बाद पता तक नहीं चल पाया। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने 27 साल वैवाहिक जीवन बिताने के बाद अलग होने का फैसला किया है। बिल गेट्स और मेलिंडा ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि हम अपने वैवाहिक संबंधों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन के अलग चरण में से एक साथ सब आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल दोनों ने इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। बिल गेट्स ने ट्विटर पर इस बयान को डाला। उन्होंने लिखा कि हमने अपने रिश्ते पर बहुत सोच विचार किया। अंत में हमने
इस संबंध को खत्म करने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में लिखा कि हमें ये कम ही विश्वास है कि अब हम आगे एक साथ रह सकते हैं। हम दोनों अलग अलग अपनी निजता चाहते हैं और जीवन के एक नए चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालांकि आर्थिक संबंधों को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि दोनों लोग परोपकारी कार्यों में लगी संस्था बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। COVID-19 की दूसरी लहर के चलते शिक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया है। इसके लिए केंद्रीय वित्त घोषित संस्थाओं ने सभी प्रमुखों को संबोधित एक पत्र लिखा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्था को आग्रह किया है कि वे मई 2021 के महीने में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दें। ऑनलाइन परीक्षाएं हालांकि जारी रह सकती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्णय की समीक्षा जून 2021 से पहले सप्ताह में की जाएगी। इसी आधार पर परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा। संस्थानों को आगे यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यदि किसी को भी किसी संस्था की सहायता आवश्यकता हो तो उसे तत्काल संभव सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो जल्द से जल्द संकट से बाहर आए। सभी संस्थानों को पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सुरक्षित रहने के लिए COVID-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिन्हें संबंध में अभी फैसला नहीं लिया गया है। UPSC, CSC 2021 समेत अन्य कई एग्जाम हैं जो मई 2021 में आयोजित होने वाले हैं, मगर इनके संबंध में अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है।